मेरा बिनत अनवर खान बहक महर 25 लाख रुपए से कई राज मुर्तसिम खान वल शाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है। सॉरी, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। तुम क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारे दिल की मुराद होती है वही हो जाता है। मैंने मां को नहीं भेजा था। हाँ, लेकिन वो यहां मौजूद थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सबको एक्साइटमेंट इतनी किस बात की है, ऐसे जैसे इन सबकी शादी हो रही हो। ये करो ये नहीं करो, घूंघट लो, ऐसे बैठो ऐसे नहीं बैठो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। Anyway, जो भी है मुझे बहुत नींद आ रही है। अब क्या सोने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए या लोरी सुनाओ? ये बेड खाली चाहिए मुझे। इस बेड पे मैं सोऊंगी, और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए तुम उस सोफे पे सोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है, इस बेड पे मैं सोऊंगी, दैट्स इट। ये मेरा कमरा है और इस कमरे में शादी करके तुम मुझे लेकर आए हो। मजबूरी थी मेरी। तो मेरी भी मजबूरी है। शायद तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो। बाय द वे, मैं क्यों सोऊं सोफे पे? शर्त तुम्हारी, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो तुम सो ना सोफे पे। मैं कभी सोफे पे नहीं सो। तो मैं भी कभी सड़कों पे नहीं सोया। ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है और मैं यही सोऊंगा। तो सारी रात जागते रहो, क्योंकि इस बेड पे तो मैं ही सोऊंगी। बल्कि अच्छी बात है, इवन बेटर, मेरी चौकीदारी करना। नीरव, उठो यहां से। तुमसे बात कर रहा हूं, उठो यहां से। उस कमरे में वो है। मीरा, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो वहां है जहां मुझे होना था। तो मेरा था, सिर्फ मेरा था, तुसिम मेरा था, और तुसिम
सिर्फ तेरे। मेरी हिफाजत के लिए अभी इतना ही काफी है। हाँ मुर्तजा, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। चाहो तो ये पेपर फाड़ के अभी फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सजावट, ये रौनक, ये निकाह खत्म हो जाएगा। इतनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। और चाहो तो इसको एक्सेप्ट करो, इस पे साइन करो और सुर्खरू हो जाओ। ये अजीबोगरीब रात मुझे मुबारक हो। अब ये शादी एक इम्तिहान है जिसे पास करने में जिंदगी खत्म हो जाएगी, या मैं जीत जाऊंगा या वो हार जाएगी और बात खत्म। तभी शायद सुकून की नींद आएगी। मेरा था मुर्तजिम सिर्फ मेरा था। ये क्या किया तुमने? सिर्फ मेरा है मुर्तजिम। मुर्तजिम भाई क्या हुआ भाई? वो हया ने खुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी कलाई काट ली है। मरियम, हया को होश में रखो प्लीज। बस बी लाइक 5 मिनट्स अवे। जी भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हया आंखें नहीं खोल गई। हया, मरियम उसे होश में रखो। हया आंखें खोलो, बस हम पहुंचने वाले हैं, प्लीज हया। साइड हया आंखें खोलो। हया आंखें खोलो। हया होश में आओ प्लीज।
भाई आप लोग रुक जाइए। क्या हुआ? भाई मुझे नहीं पता। तुम दोनों एक कमरे में होते हो, तुम्हें नहीं पता? जब सबको पता चलेगा कितनी बदनामी होगी। जिस सच सच बताओ क्या हुआ था। आपकी वजह से किया उसने। क्या? मेरी वजह से? भाई वो आप समा बहुत रो रही थी रात को, मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो उसने अपना हाथ काट लिया था और चूड़ियां बिखरी हुई थी। अंदर जो पेशेंट उनके साथ आप हैं? जी जी, कैसी हैं वो? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पुलिस केस है, इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरी बात चल रही है पुलिस। ओके। क्या बेवकूफी कर लिया है? देखने में तो ये खुदकुशी का केस लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये एक्सीडेंटली हुआ है। जी बिल्कुल, इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो टूटी तो हाथ में कट लग गया। ठीक, लेकिन कट काफी बड़ा है। हाँ, गहरा ज्यादा नहीं है, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। घर कब तक लेके जा सकते हैं? बस ये होश में आ जाए ले जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट विजिट में इनकी बैंडेज चेंज होगी। थैंक यू डॉक्टर। उठो। मुत्तसिम नाम मत लो मेरा, बाहर लेकर आओ उसे। मुर्तसिम, तुम बाहर थे क्या घर से? जी वो एक इमरजेंसी हो गई थी। कैसी इमरजेंसी? हया की कलाई कट गई थी। इसे क्या हुआ? माँ बेगम वो चूड़ियां उतारी थी तो कलाई जख्मी हो गई। कितनी जख्मी हो गई थी? इतनी कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आधी रात को इसका मतलब है तुम अपने कमरे में नहीं थे। नहीं। इतनी मामूली सी चूड़ी इतनी तेजी से चुभ गई या चुभाई गई है?
मरियम, हया को रूम में लेकर चल, सोने जा रहा हूं। रुको, मैं पूछ रही हूं कि तुम रात भर बाहर क्यों रहे? दूसरी बार पूछ रही हैं आप ये? तो तुम समझ लो ना कि इस बात की कितनी अहमियत है। हया को हॉस्पिटल लेके जाना इम्पोर्टेंट था, अपनी दुल्हन को छोड़कर। उसे कोई मसला नहीं है। मगर मुझे मसला है। तो फिर अपनी आंखें खुली रखें और कोशिश करें कैसे वाकयात ना हो। क्या कर रहे हो मुर्तसिम? कहां? यहां बेड पे मेरे साथ। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा, सो रहा हूं। तुम यहां नहीं सो सकते हो। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि याद है मुझे, और भूलना भी मत, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कागजी रिश्ता है सिर्फ, जिसे तुम्हें और मुझे मेरी कंडीशंस पे मानना होगा। तो करो, इतनी देर से कुछ नहीं खाया। हाँ भाई, हो गई तीमारदारी या अभी कुछ रहता है? माँ, वो वीकनेस हो रही थी हया को, तो जब ऐसे काम करेगी तो यही होगा ना। वैसे हुआ क्या था हया, बताओगी मुझे? तुम चुप रहो, मैं इससे बात कर रही हूं। हाँ हया, बताओ मेरी बेटी को चोट कैसे लगी? माँ बेगम को चूड़ियां उतारते हुए शायद। शायद? ओ, तुम्हें तो इतनी ज्यादा चोट लगी है, खून निकला है, और अभी भी तुम कह रही हो कि शायद। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि किस तरह तुम्हें चूड़ी लगी, या फिर तुमने खुद ही अपनी कलाई काट ली। बोलो। याद करो। माँ बेगम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गलती है। वो चूड़ियां उतार रही थी बेध्यानी से, या फिर जल्दी जल्दी,
तो वो इसलिए जोर का कट लग गया। फिर माँ, बहुत खून था, मैं तो बहुत डर गई देख के। फिर तुम भागी होंगी? जी माँ, सर पे पैर रख के बस मैं बाहर चली गई। और दौड़ती हुई तुम मुर्तसिम के कमरे तक जा पहुंची उसे जगाने? जी। मेरा दिमाग सही है? उसकी शादी की पहली रात वो दूल्हा बना हुआ और तुम उसे जगाने पहुंच गई? माँ, तो मैं और क्या करती? मुझे बताती, अनवर को बताती, इंतजार कर लेती। इतनी बड़ी चोट नहीं थी जो मर जाती है। इतनी सी चोट के लिए मुर्तसिम के पास पहुंच गई, बेवकूफ लड़की। आइंदा जो भी कुछ हो, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। इस घर में होने वाली हर बात पहले मुझ तक पहुंचनी चाहिए, समझी? चलो सूप पिलाओ इसे, ठीक करो अपनी सहेली को। अल्लाह का शुक्र है, बच गए आज। अच्छा तुम ट्राई करो, सूप बहुत अच्छा है। नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? चोट लगी है, मरी नहीं हूं। तुम और माँ बेगम ना बिल्कुल एक ही जैसे हो, जिद्दी। कल रात कहाँ थे? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? कल रात कहाँ थे? तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। Really? जी really। इतने सारे लोगों के सामने निकाह के पेपर्स पे साइन किए हैं ना? और वो पेपर्स जो तुमने साइन करवाए, दिखाऊं सबको? मुझे डरा रहे हो? डरी भी तो तुम लग रही हो कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूं। तुझसे आई समझ? लेकिन मुझसे डरो? क्योंकि अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम कुछ संभाल नहीं पाओगे मेरा।
मुझे मेरे बेटों से बढ़कर हो तुम, और अब तो मेरे दामाद भी हो, इसलिए अब हमारा रिश्ता और ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। मीरब ने कल निकाह के वक्त जो कुछ किया उसे वैसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। बहुत दुखी दुखी पिछले चंद दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। परसों जिनके हाथों में वो पली बड़ी, अचानक से उसको पता चला कि वो उसके मां बाप ही नहीं है। मैं उसका बाप हूं जिसने बचपन में ही उसे अपनाया ही नहीं, और फिर तुमसे निकाह, इन सब चीजों से वो अकेले लड़ी है, बहुत अकेली है वो। उसे इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत, वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन इकलौती औलाद है मेरी, और हो सके तो उसकी पुरानी गलतियों को, कोताहियों को तो माफ कर देना। अच्छा साहब, मेरी तरफ से कभी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मेरा बात है। मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है तुमसे कि ऐसा ही होगा। आइए बैठते हैं। खुशी हुई मुझे तुम, वकास और अनीला दोनों आए। आपका बड़ापन है भाभी बेगम। काश ये बड़ापन तुम्हारी बेटी भी दिखाती। जो गलती उसने की है वो दरगुजर करने वाली नहीं है, कोई नहीं भूलेगा। भाभी बेगम बच्ची है अभी, माफ करते हैं उसे। बच्ची है वो, जो बच्ची सिर्फ अपना नफा नुकसान देखती हो, अपनी मनमानी करती हो, बच्ची है वो। मुर्तसिम से वो कुछ बात करना चाह रही थी शायद, इसलिए। अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ तो मीरब के बहुत से मेहरबान बैठे हैं। मेरी बेटी है वो। जानती हूँ तुम्हारी बेटी है, और लगता यही है कि तुम उसकी हर बात से मुत्तफिक हो, तभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हारी बेटी ही की बात हो रही है, ये तुम्हारी ही बेटी है जिसकी वजह से मुझे कल इतनी बातें सुननी पड़ी। अब लोग तो बातें करते हैं ना भाभी। तुम्हें ठीक लग रहा है जो कुछ उसने किया? अच्छा किया उसने क्या? मैं मानता हूं कि उसने गलत किया है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है, खानदान की बहू है, अब आपके साथ रहेगी तो आप उसका अच्छा बुरा देखेंगी, सीख जाएगी वो, और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी वो।
खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मीरब साहिबा से तो कोई उम्मीद नहीं कब उठ के चल दे वो। बहरहाल तुम लोग वलीमे के लिए रुक रहे हो ना? नहीं भाभी बेगम, हम वलीमे तक नहीं रुकेंगे। तुम जानते हो ना, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत और खुलूस पे ईमान है मुझे। लेकिन अब शायद मीरब हमें देखना चाहे ना चाहे। बच्ची है वो। जाके बहलाओ उसे, शायद मान जाए। वो बच्ची तो गलत जगह आ गए। ये घर आपकी बेटी का घर नहीं है। जानते हैं, लेकिन हम अपनी बेटी से मिलने आए। किस बेटी से? उसे जिसे आप लोगों ने बेटी मानने से इनकार कर दिया था, या उससे जिसे आप लोग छोड़ आए थे, या वो जो लेकर पाली गई थी और सारी जिंदगी अनजान रही, या वो जिसके लिए आप लोगों ने रात भर दरवाजा ही नहीं खोला था, वो जो सब कुछ सहकर भी हमारी बेटी है। अब नहीं, खत्म हो गई है। उसने इतना कुछ सह लिया है कि कुछ बचा ही नहीं। मैं तो उसी रात को उसे आपके दरवाजे पर छोड़ आई थी। वो मर गई है। मेरा जिस पे मेरा हक है, मैं उसे बाप नहीं मान रही। आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते। क्या तुम्हें हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो कुछ भी याद नहीं रहा? बहुत वक्त लगा भूलने में मुझे, भूला ही नहीं जा रहा था, अपने आप को समझाया ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर समझ आ गई जब आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आप लोगों का प्यार, तवज्जो,
आप लोगों की दी हुई तालीम, खुशियां, सब सब खत्म हो गया एक मिनट में। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगे। चाहे तुम भूल जाओ, हम कभी नहीं भूलेंगे। जो भी है, मैं आप लोगों पे अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करूंगी। जानते क्यों? क्योंकि मैं उस तकलीफ से गुजरी हूं कि जब आपकी सारी उम्मीदें उस एक दरवाजे के खुलने पे हों और वो दरवाजा कभी ना खुले। तो कैसा फील होता है? मैं आप लोगों के साथ ही नहीं करूंगी। हम यहां तुम्हारे लिए आए थे, तुमसे मिलने, अब जा रहे। ऐसे मत जाइएगा, वलीमा अटेंड करके जाइएगा। आपके मरहूम दोस्त के बेटे का वलीमा है, अटेंड तो करेंगे ना। ये तुम्हारे लिए, इसे मत ठुकराना, वरना मैं समझूंगी कि तुमने मुझे कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। करके